हेलो गाइस एंड वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज सर्कुलर फ्लो इनकम। ये हम क्लास 12th का नेशनल इनकम जो पहला यूनिट है वो हम पढ़ रहे हैं। इसको हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे, हम यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। तो जब तक हम पूरा नेशनल इनकम खत्म नहीं कर लेंगे, आप चैप्टर वाइज मत समझिएगा इसको, इसको हम पूरे यूनिट वाइज खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो इनकम। तो पहले ये समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्चुअल का होता क्या है। नाम से हालांकि कुछ ना कुछ समझ में आ जाता होगा कि इनकम जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में घूमती हो। सर्कुलर फॉर्म मतलब साइकिल का जैसे पहिया होता है ना वैसा, कि एक पॉइंट से स्टार्ट किया तो वापस भी उसी पॉइंट पे आएगा, है ना। तो एक साइकिल फॉर्म में जो है वो घूमता रहता हमेशा। तो उसकी डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. अभी definition जो है वो यार रट ले हमने, है ना, तो हमें याद हो जाएगा पूरा। पर देखो definition को मैंने लिख तो दिया है, but definition को हमें रटना नहीं है, हम तो सिर्फ इसको थोड़ा सा समझेंगे। समझने के लिए क्या है ये diagram, ठीक है। तो definition में मैं अभी थोड़ी देर में फिर से अभी आऊंगा, तो इसको थोड़ा सा extend करके देखते हैं। जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो ये तीन फेजेस में होता है। तीन फेज हमारे, पहला है जनरेशन फेज, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा होता है हमारा डिस्पोजिशन फेज। तो अब ये भी समझ में नहीं आएगा, मींस देखो रटने वाला सिस्टम नहीं करना है मुझे, सिर्फ समझाना है आप लोगों को। तो आप इसको समझेंगे कैसे, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो कहेंगे कि सर ने एक तो ये वाला टॉपिक बता दिया, एक ये टॉपिक कर दिया, और ये तीसरा टॉपिक में भी आ गया, लेकिन अब तक समझाया कुछ भी नहीं। तो आप एक बार इस टॉपिक को समझिए, ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, एक्चुअली में होता है क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो चार सेक्टर्स में होता है हमारे, ठीक है। तीन सेक्टर्स होते हैं, बेसिकली सेक्टर्स तीन होते हैं, दो सेक्टर्स ये हो गए, तीसरा गवर्नमेंट होता है, और चौथा सेक्टर होता है हमारा जो कि कहलाता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी हम टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है जब हमारी इकोनॉमी में मींस हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ दो ही सेक्टर्स होंगे, एक हाउसहोल्ड और दूसरे कौन से होंगे, फर्म्स। तो पहले समझते हैं कि हाउसहोल्ड होते कौन। हाउसहोल्ड वो लोग हो गए जो जनरली घरों में रहते हैं और थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं। दूसरा हो गए फर्म्स। फर्म्स वो लोग हो गए जो किसी भी चीज के प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज करते हो या किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है। तो समझना कंट्री के अंदर सिर्फ दो ही टाइप के लोग हैं, एक ऐसे लोग जो घरों में जनरली रहते होंगे, मींस घर में तो ये भी रहते होंगे, ये भी रोड पे थोड़ा रहेंगे, घर में ये सारे लोग रहते हैं, लेकिन फर्म जो है ना वो किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, और हाउसहोल्ड जो है वो मे बी इस प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते होंगे या शायद नहीं भी करते होंगे, ठीक है। तो ये दो केवल कैटेगरीज जो है ना वो कंट्री के अंदर अवेलेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी। तो इस सिंपल इकोनॉमी में किस तरीके से काम होता है, तो पहली चीज सबसे पहले देखते हैं फर्म्स, फर्म्स थे और हाउसहोल्ड थे। तो फर्म्स वालों ने क्या किया, उनको ऑब्वियसली बात है किसी चीज का प्रोडक्शन करना था, प्रोडक्शन करने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए होंगे लेबर्स या वर्कर्स। तो वर्कर्स कहां से आएंगे, फ्रॉम द हाउसहोल्ड। तो हाउसहोल्ड की तरफ से वर्कर्स यहां पर पहुंच गए, तो वर्कर्स ने अपनी तरफ से कुछ इनपुट दिया, वो इनपुट क्या कहलाएगा, फैक्टर सर्विसेस। तो फैक्टर सर्विसेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे हमारे होते हैं। तो लोगों ने आके यहाँ पे अपनी तरफ से सर्विसेज दी, उन सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। तो हाउसहोल्ड ने दी फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स। अब इन फैक्टर सर्विसेज जब आप किसी के लिए काम करेंगे तो आपको काम करने के बदले में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है आपको कुछ ना कुछ पेमेंट मिलेगा, है इनकम होगी। तो फर्म्स ने क्या दिया, इन्हीं फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या दिया हाउसहोल्ड को, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या हो सकता है, रेंट हो सकता है, वेजेस हो सकती है, सैलरीज हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। सो हाउसहोल्ड ने किया काम, उस काम के बदले में फर्म्स ने क्या दी, इनकम जनरेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, अब जब काम किया तो काम किया होगा तो क्या किया होगा, किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किया तो फर्म्स ने क्या किया, मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, जिन चीज का प्रोडक्शन किया होगा वो क्या है, मार्केट के अंदर लेके आया। अब मार्केट के अंदर लेके आए तो उनको हमने क्या मेंशन कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, हाउसहोल्ड के पास पहुंचे। अब हाउसहोल्ड ने क्या किया भाई, अब इसमें सारे हाउसहोल्ड इंक्लूडेड है, मींस जितने भी कंट्री के अंदर लोग होंगे वो सारे इंक्लूडेड होंगे। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने इन चीजों के ऊपर खर्चा करना स्टार्ट किया, मींस यही गुड्स एंड सर्विसेज को
इन्होंने कंज्यूम करना स्टार्ट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये कहलाता है हमारा सर्कल फ्रॉम इनकम। अब ये प्रॉपरली अभी भी समझ में नहीं आ रहा, इसको ऐसे समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल फर्म्स वालों के पास 100 रुपए थे, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, 100 रुपए नहीं थे, होते तो बहुत ज्यादा है, 100 रुपए में क्या होने वाला आज। तो सपोज फर्म्स के पास में थे 100 रुपीज, उन्होंने 100 रुपीज से प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। तो हाउस होल्ड वाले ने आके यहाँ पे सर्विसेज दी, अपना वर्क किया, वर्क के बदले में ये 100 रुपीज कहाँ चला गया, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के पास में आ गया। अब फर्म्स के पास में क्या बचा, 0, है ना, क्योंकि यहां से चला गया इनके पास में। अब 100 रुपए यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो पैसा इनकम कहां से, यहां से घूम के आ गई यहां पे। इसके बाद में जब फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज इनको दिए, इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया, जब परचेज किया तो उसको क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब है किसी चीज कंजप्शन किया उसी के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे। तो वो एक्सपेंसेस क्या है, ये 100 रुपए वापस से फिर यहाँ पे चले गए, तो हाउस होल्ड के पास में वापस आ गए, हाउस होल्ड के पास, सॉरी फर्म्स के पास में वापस आ गए, हाउस होल्ड के पास क्या बचा, नथिंग। तो स्टार्ट कहां से किया था हमने, 100 से, और 100 से स्टार्ट किया था, 100 यहां पे घूमा वापस से वहीं पे पहुंच गया। तो दिस इज व्हाट सर्कुलर फ्लो इनकम। ये कब होता था, जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, जब दो ही सेक्टर थे, हाउस होल्ड और फर्म्स। अब अगर इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया, तो देखो अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेशन हुआ किसको, हाउस होल्ड को। कैसे हुआ, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कब हुआ था, जब फैक्टर सर्विसेज दी थी, मींस कहीं पर काम किया था, तो काम के बदले में उनको क्या हुआ था, फैक्टर पेमेंट मिला था। तो पहली लाइन जो है डेफिनेशन की, वो हमारी यहां से क्लियर होती है। नेक्स्ट, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कहां पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, मींस जो इनकम जनरेशन हुआ वो क्या है, वो फाइनली यहां तक पहुंची है, पहुंची कहां थी, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। एंड फाइनली कहा गया, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अब क्या हुआ, हाउस होल्ड से फर्म तक वापस गए, इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वही हमने यहां पर मेंशन किया। तो जनरली देखिए डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी, हमें सिर्फ समझना है कि क्या हुआ, हाउस होल्ड ने फर्म्स के साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट किया। जब काम करना स्टार्ट किया तो वो क्या हुआ, फैक्टर सर्विसेज दी थी, ठीक है। तो ये हमारी पहली लाइन, जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प किया। अब इसके बाद में फर्म्स ने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दिया, फैक्टर पेमेंट दिया इन लोगों को, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, इन सबको मिला है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये हमारे, तो इनको ये चीज मिल गई, फैक्टर पेमेंट मिल गया। अब इसके बाद में यही पैसा यहां से घूम के फिर चला गया फर्म्स के पास में, इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो दिस इज द होल डेफिनेशन। अब आते हैं फेस के ऊपर, फेस में देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, ये पॉइंट्स क्या आपको रिमेंबर करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तीन फेज होते हैं, पहला होता है जनरेशन फेज, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज। तो जनरेशन फेज क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज वाला। फैक्टर सर्विसेज वाला मतलब क्या है, कि हाउस होल्ड ने फर्म्स के साथ में मिलकर जब काम करना स्टार्ट करते हैं, वो हमारा पहला फेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जनरेशन फेज। अब आते हैं सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। तो क्या बटा, जब सर्विसेज दी, सर्विसेज के बदले में क्या आया, फैक्टर पेमेंट। तो पेमेंट फर्म्स से कहां गया, हाउस होल्ड की तरफ, तो ये फैक्टर पेमेंट यहां पे पॉइंट लिखा हो। तो दूसरा फेज आ गया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तीसरा क्या होता, डिस्पोजिशन फेज, कि पैसा यहां से यहां तक आ गया। अब यही पैसा हाउस होल्ड से वापस जाता है कहां पे, फर्म्स के पास में, इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, हमारा थर्ड फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। तो अभी आपको ये शायद पूरा क्लियर जो है ना वो हो गया होगा। अब समझते हैं, देखो इसमें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहां पे देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी, लेकिन हमें पॉइंट मैंने बनाया है सिंपल इकोनॉमी। अभी सिंपल इकोनॉमी थी, तो ये सिंपल इकोनॉमी में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। इस छोटी सी प्रॉब्लम को समझिएगा कैसे, कि फर्म्स के पास में 100 रुपए थे, फर्म्स ने 100 रुपए के साथ में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, हाउस होल्ड के पास में फैक्टर इनकम के तौर पे क्या पहुंच गया, बोले 100 रुपए पहुंच गए, ठीक है, 100 रुपए पहुंच गए। अब सपोज हाउस होल्ड वाले लोग ऐसे हैं, इन्होंने सोचा यार हम पूरा पैसा क्यों खर्च करें, अगर इन्होंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर में सिर्फ 90 रुपए खर्च किए और 10 रुपए बचा लिए, है ना, सारे लोग हो सकते हैं, तो सपोज 10 रुपीज की सेविंग कर ली। अब सोच के देखो हाउस होल्ड से फर्म्स के बाद में कितना पैसा पहुंचेगा,
100 की जगह क्या पहुंचेगा 90। अब नेक्स्ट टाइम फर्म्स प्रोडक्शन करेगा तो कितने का करेगा 90 का, फिर इन्होंने कुछ 10 रुपए फिर बचा लिए, अब प्रोडक्शन कितना का होगा 80 का। इस तरीके से क्या प्रॉब्लम जो है ना वो जनरेट होती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या करूंगा हमें, इसी को हम क्या करते हैं सिंपल इकोनॉमी थी, इसी को हम सेकंड बना देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? देखो सिंपल इकोनॉमी में क्या था, कोई चेंजेस नहीं करना है हमें, कुछ खास चेंजेस नहीं करना है, जैसा था बिल्कुल वैसे ही बना देना है। इसी सिंपल इकोनॉमी को क्या कर देंगे, सिंपल इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, है ना। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि आपके फाइनेंस से रिगार्डिंग हेल्प करेगा। इसके अंदर सारे के सारे हमारे कमर्शियल बैंक्स एंड अदर यूनिट जो कि ऐसे इंस्टीट्यूशन भी आ जाते हैं जो पैसे ग्रांट करने के लिए काम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, फाइनेंशियल मार्केट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अभी हम दूसरा सेक्टर पर पढ़ रहे हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी ही है। उसमें पहली थी हमारी सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी में सब कुछ ऐसा होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता। देन सेकंड होता है इसी के अंदर, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ही, सिंपल इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट आ गया। अब फाइनेंशियल मार्केट के साथ में क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट को आप लोग बैंक समझ सकते हैं यहाँ पे। तो हाउस होल्ड वालों के साथ भी देखते हैं क्या होगा और फर्म्स के साथ में भी देखते हैं क्या होगा। फर्म्स वालों को अगर इनके पास में पैसा एक्सेस में हो गया, सपोज मान लो प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, है ना। तो डिपॉजिट विद इन द बैंक। और अगर के पैसे की कमी आ गई, जैसे मान लो यहाँ पे जो सारे लोग थे ना उन लोगों ने कुछ पैसा बचा लिया, तो वो पैसा बचा लिया तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, इनको पैसा यहाँ से लोन पे लेना पड़ेगा। तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से पैसा बोरो कर सकते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। अब आते हैं हाउस होल्ड पे, तो हाउस होल्ड वाले क्या कर सकते हैं, ये भी दोनों काम कर सकते हैं नहीं, यहाँ पर बस यही नहीं होगा। हाउस होल्ड वाले क्या कर सकते हैं, केवल केवल पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। अब डिपॉजिट ही क्यों करते हैं और पैसा बोरो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो बैंक से पैसा बोरो कर लेते। बट समझना ये कब का है, टू सेक्टर इकोनॉमी है, जब दो ही सेक्टर थे हाउस होल्ड और फर्म्स, है ना। अभी हमारे इकोनॉमी में दो सेक्टर नहीं है, हमारे इकोनॉमी में काफी सारे सेक्टर्स अवेलेबल है। तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। अब हम पैसा बोरो क्यों नहीं कर सकते, मींस बोरोइंग जो है वो हम क्यों नहीं कर सकते। बोरोइंग ना करने का रीजन क्या है, कि अगर हमने पैसा बोरो किया तो बोरो हम किस लिए करेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम भी प्रोडक्शन करने लगे तो फर्म्स में और हाउस होल्ड में अंतर क्या रहेगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट ही होता है। तो अभी वीडियो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी हालांकि सिर्फ हमने टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा है, अभी थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।